हेलो, वेलकम टू आवर चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसका हम लोग देखेंगे, जो कि ये पार्ट वन होगा। पार्ट टू जो है जल्द ही आएगा, तो इसका देखते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आइज बट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। इफ़ यू हैव टू टेक ए सैंपल फ्रॉम योर होम टू योर बायोलॉजी लेबोरेटरी एंड डेमोन्स्ट्रेट द प्रजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस सिंपल विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, वाट टाइप ऑफ सैंपल विल यू टेक विथ यू एंड वाई। तो इसका आंसर लिखिएगा कि वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर डेरिवेटिव प्रोडक्ट डिराइव प्रोडक्ट ऑन ए डेली बेसिस। ए कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, डैट मीन्स LAB, ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इन टू द कर्ड। सिमिलरली ए बेकर ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इज यूज इन मेकिंग ब्रेड। इफ वी हैव टू टेक ए सैंपल फ्रॉम आवर होम टू आवर बायोलॉजी लेबोरेटरी एंड डेमोन्स्ट्रेट द प्रजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सैंपल विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, वी विल टेक पीस ऑफ रोटेन ब्रेड और ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड, बिकॉज बोथ दीज थिंग्स आर इजली अवेलेबल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इजली विजिबल इन देम। द ग्रीनिश कलर ऑन द ब्रेड दैट इज सीन ऑन द ब्रेड इज एक्चुअली फंगस। इट स्पोर्स एंड प्रजेंट इन द एयर एंड कीप ग्रोइंग इन फूड आइटम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज गैसेज ड्यूरिंग मेटाबोलिज्म, प्रूव इट बाई गिविंग एग्जाम्पल। तो इसका आंसर लिखिएगा द लूज डो मेड ऑफ लेंटिल्स एंड राइस विच इज यूज टू मेक फूड लाइक डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। द पॉप्ड एपरियंस ऑफ दिस डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। द लार्ज पोर्स पोन्ड फाउंड इन स्विस चीज एंड आर ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाई बैक्टीरियम कॉल्ड प्रोपिनो बैक्टीरियम सरमेनाई और रोकी फोर्ट चीज मेच्योर्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंगस विच गिव ए स्पेशल एरोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फूड आर लैक्टिक एसिड आर फाउंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फाउंड, डिस्क्राइब सम ऑफ देयर बेनिफिशियल यूजेज। तो इसका आंसर लिखिएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डैट मीन्स LAB आर फाउंड इन मिल्क। दे ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इन टू कर्ड। ड्यूरिंग ग्रोथ दे प्रोड्यूस एसिड विच कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ऑल्सो इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी एज द अमाउंट ऑफ विटामिन B12 इंक्रीजेज। इन आवर स्टोमक टू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले ए बेनिफिशियल रोल इन द प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड विच आर मेड फ्रॉम व्हीट राइस एंड ग्राम और देयर प्रोडक्ट्स एंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका आंसर लिखिएगा देयर आर मेनी ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स विच आर मेड फ्रॉम व्हीट राइस एंड ग्राम एंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देयर नेम्स आर एज फॉलो कर्ड पनीर चीज डोसा इडली सम इंडियन फूड एंड ब्रेड लाइक भटूरा ए ट्रेडिशनल ड्रिंक्स इन सम पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया इज 2D। फर्मेंटेड फिश सोयाबीन एंड बम्बू शूट ETC आर यूज इन प्रिपेयरिंग द फूड आइटम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले ए रोल इन कंट्रोलिंग डिजीज कॉज्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। तो इसका आंसर लिखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग डिजीज कॉज्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरिया।
एंटीबायोटिक्स आर ए टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे कैन स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ अदर डैट मीन्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल देम. पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक. दिस एंटीबायोटिक वॉज widely used in treatment of injured American soldiers in the Second World War. After penicillin, other antibiotics are also purified from other microorganisms. Antibiotics have emerged as a power by increasing our ability to treat dreaded diseases like plague, whooping cough, diphtheria, leprosy, which have killed millions of people in the world. Next question is, write the names of any two fungal species which are used in production of antibiotics. तो इसका आंसर लिखिएगा कि पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम ए मोल्ड कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलिन प्रोड्यूस फ्रॉम ए मोल्ड कॉल्ड कैरियोजिनम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सीवेज. हाउ इज सीवेज हार्मफुल फॉर अस. इसका आंसर लिखिएगा, ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर इज जनरेटेड फ्रॉम द टाउन्स एंड सिटीज एवरी डे. द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सर्टिया. दिस वेस्ट वाटर ऑफ द सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज. ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन इट विच आर मोस्टली पैथोजेनिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What are the main differences between primary and secondary sewage treatment? तो इसका आंसर लिखिएगा कि प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल आर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द सीवेज बाय फिल्ट्रेशन एंड सेंडिमेंटेशन. दीज आर सेपरेटेड इन डिफरेंट स्टेजेज. इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. Then grit, that means clay and small pellets only, is removed by sedimentation. All the solid that settle to the bottom of the primary sludge and the superintendent from the effluent. The effluent is taken from the primary settling tank for secondary treatment. And that secondary treatment के बारे में लिखिएगा कि primary effluent is passed through a large aerated tank where it constantly stirred mechanically and air is pumped into it. This lead to the vigorous growth of beneficial aerobic microorganism in the form of forth. During growth, these microorganisms consume major portions of the organic matter present in the effluent. This significantly reduces the BOD and BOD, that means biochemical oxygen demand of the effluent. BOD refers to the amount of oxygen consumed by bacteria to oxidize the organic matter present in the 1 liter of water. The sewage is treated until the BOD decreases. नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी यूज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इफ यस कंसिडर हाउ. तो इसका आंसर लिखिएगा, यस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. बायोगैस इज ए मिक्सर ऑफ गैसेज प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबोलिज्म. ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म produce a variety of gaseous and products such as methane, hydrogen, oxide and carbon dioxide. These gases constitute biogas. Since they are flammable, they can be used as a source of energy. Biogas is also commonly known as gobar gas. ठीक है, तो ये तो हो गया आज का क्वेश्चन आंसर, जो कि 10 तक हो गया आपका, 9 तक जितने भी बाकी क्वेश्चन है उसको कल करवा दूंगा. बाय, टेक केयर.